आडा जी, दो शब्द आपके बीच में कहने जाते हैं, आपकी बेटी, आपकी बहन। किसान एकता, आज मन बहुत भारी है। ये मेरे बापू हैं, ये मेरे बापू हैं, ये हम सबके बापू हैं। और आज पूरे भारत के किसानों के बेटी बेटा, आज इनके बेटी बेटा और इनके साथ हैं। जब तक ये किसान आंदोलन हम जीत के नहीं जाते हैं, हमें हमारे हक नहीं मिलते, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। मैं इस मंच से एक बात आपके साथ साझी करना चाहती हूँ कि मैं एक गायक हूँ, एक सिंगर हूँ, और मैंने 15 साल इस इंडस्ट्री को दिए हैं और मैंने मेहनत करके घर बनाया। अगर मुझे वो घर बेचना पड़ेगा, बड़े मैंने शौक से बनाया, लेकिन अगर मुझे वो घर बेचना पड़ा, मैं बेच दूंगी। किसान एकता, कोई गाली पहन दी, कोई गाली। किसान आंदोलन से हम एक पहले दिन से जुड़े हुए हैं और हमारी फीलिंग्स के साथ धक्का हुआ, हमारे साथ धक्का हुआ, हमें चीट किया गया, हमारे साथ धोखा हुआ है। उस धोखे को हमने बर्दाश्त नहीं करना, हमें चाहे जो मर्जी हमारे साथ वो कर ले, हम हमारा भाईचारा, हमारी ताकत, उस भाईचारे को हम बिल्कुल नहीं अलग होने देंगे। हम सब देख रहे भाईचारा हम ऐसे बना के रखेंगे। वो लाल किले वाला जो भी चीज हुई है, वो जो झंडा फहराया गया, वो बनता नहीं था, क्योंकि हम आज अगर यहाँ बैठे हैं, हम एक किसानी झंडे के लिए यहाँ पर बैठे, उस किसानी झंडे के नीचे बैठे हैं। हमारे लिए सारे झंडे एक हैं, हमारे लिए भारत का झंडा भी एक है, हमारे लिए सारे झंडे एक हैं। हम किसान हैं, हम किसान के लिए यहाँ बैठे हैं। हम अपने मोटिव के यहाँ हम भूलेंगे नहीं कि हम किस लिए आए। हम अपने किसानी आंदोलन के लिए यहाँ बैठे, हम हमारे हकों के लिए बैठे, और जब तक ये आंदोलन चलेगा, हम आपके साथ हैं। किसान एकता, किसान एकता। बापू जी, आपके आपके लिए जो दिल में आज जगह बन गई है, वो रहती दुनिया तक। मुझे लगता है कि आपने जो आज कर दिया, ये संघर्ष